आज दिन भर सोशल मीडिया पे ज़्यादातर दो खबरें ट्रेंडिंग में रहीं। एक हमारे लेजेंडरी एक्टर जनाब अफजाल अहमद खान साहब के नाम से हवाले से, और एक हमारे थिएटर के मारूफ डायरेक्टर राइटर जियो ग्रुप के प्रेसिडेंट जनाब इमरान असलम साहब के हवाले से। अच्छा, इन दोनों अशख़ास को मरहूम कहते हुए मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। जनाब अफजाल अहमद साहब, जो लोग नहीं जानते उनको बताते चलो कि 1970s, 80s, 90s में, late 90s में भी ड्रामों की जीनत बनते थे, और अमीर कबीर मिनिस्टर को दिखाना हो, कोई पॉलिटिशियन दिखाना हो, कोई चौधरी दिखाना हो, तो वो कैरेक्टर करते थे। वो बहुत ही खुश गुफ्तार और नहायत ही हम्बल किस्म की शख्सियत थे। लेकिन मैं गुजरे हुए कल वाली बात करूँगा। गुजरे हुए कल यानी कि 1 दिसंबर 2023 को, जो मैंने अर्ज़ किया था कि जो नौजवान लड़के लड़कियाँ इस शोबे को अपनाना चाहते हैं, मेहरबानी करके उसके साथ साथ कोई पैरेलल बिजनेस, कोई कारोबार, कोई जॉब ज़रूर होनी चाहिए। अफजाल साहब के वफात के वक्त की जो तस्वीर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, वो सबने देखी होंगी कि किस तरह से एक इतना बड़ा लेजेंड और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हुए, और एक हॉस्पिटल में एक बेड पे जहाँ और भी मरीज उनके साथ लेटे हुए हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से वो जिस तरह से उनको दुनिया से रुखसत होना चाहिए था, शायद उस तरह वो नहीं गया। अब इसमें कोताही उनकी थी, उनकी फैमिली की थी, फाइनेंशियल्स की थी, हुकूमत वक्त की थी, वो एक अलग बहस है। हालांकि आर्टिस्ट एंडाउमेंट फंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि उन आर्टिस्टों के लिए होते हैं जिन जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। वो आर्टिस्ट एंडाउमेंट फंड करोड़ों में होता है, लेकिन इन तक वो क्यों नहीं पहुंचा, वो एक अलग बहस है, उस पर मैं किसी और वक्त बात करूंगा। और साथ साथ इमरान असलम साहब, इमरान साहब थिएटर रोजी ड्रामा बड़ा मशहूर PTV पे चला, वो उनका लिखा हुआ था, और जियो को स्टैब्लिश करने वाला, जियो को खड़ा करने वाला वो आदमी था। लेकिन इमरान साहब जिस तरह दुनिया से रुखसत हुए और जिस तरह अफजाल साहब दुनिया से रुखसत हुए, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। जिस तरह मैंने कल कलर्स किया था और अभी भी कह रहा हूँ कि वो लोग जो इस शोबे में आना चाहते हैं, खुदा के वास्ते वो अपना एक पैरेलल बिजनेस रखें, कोई जॉब रखें। इस बात को इमरान असलम साहब बखूबी जानते थे, समझते थे, इस वजह से उन्होंने जियो की जॉब को नहीं छोड़ा और एक अच्छा प्रोफाइल इंजॉय करते हुए अपने शौक भी इंजॉय किए, लिखने के हवाले से, थिएटर के हवाले से, और इस जहाने फानी से रुखसत भी हुए। तो आज का मैसेज, ये आज जो वीडियो मेरी है, ये तसलसल है गुजरे हुए कल की वीडियो की, जिसमें मैंने नौजवानों को ये ताकीद की थी, इनफैक्ट रिक्वेस्ट की थी कि इस शोबे को अपना ब्रेड एंड बटर ना बनाए, इसके साथ साथ कोई और जॉब, कोई बिजनेस जरूर होना चाहिए, वरना फिर वक्त बड़ा जालिम होता है। और यूं पीछे मुड़ के हम देखते हैं ना, तो 30 साल गुजर चुके होते हैं, और जब हम अपनी जेब की जानिब या अकाउंट्स की जानिब देखते हैं तो कुछ नहीं होता। बल्कि एक छोटी सी बात और भी बता दूं कि आज भी पाकिस्तान में अगर कोई एक्टर बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने जाए तो उसे 50,000 का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, क्योंकि वो इज एन एक्टर, उसकी हवाई रोजी है। लेकिन कहीं मुलाजमत करता हुआ कोई छोटे ग्रेड का भी कोई आदमी, कोई चपरासी लेवल का आदमी भी चला जाए, उसे भी 50,000 प्लस का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो हमें खुद अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस फाइनेंशियल सिस्टम में रह रहे हैं, एक एक्टर की क्या वक्त है।